नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार, लेक्चरर फिजिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज चूरू। आज हम ट्रांजिस्टर के बारे में जानेंगे। ट्रांजिस्टर के बारे में हम थोड़ी बेसिक बातें यहाँ सीखने का प्रयत्न करेंगे कि किस प्रकार ट्रांजिस्टर बना, किसके द्वारा बनाया गया, ट्रांजिस्टर क्या बनाने के लिए किस प्रकार के अचार्य की हमें आवश्यकता पड़ी, ट्रांजिस्टर का क्या कार्य है। सबसे पहले हम ट्रांजिस्टर के बारे में जानते हैं कि ट्रांजिस्टर एक तीन टर्मिनल युक्त अर्धचालक युक्ति होती है, अर्थात एक अर्धचालक युक्ति जिसमें तीन टर्मिनल होते हैं उसे ट्रांजिस्टर बोलते हैं। सबसे पहले ट्रांजिस्टर का जो आविष्कार है सन 1948 में अमेरिका की बेल प्रयोगशाला में किया गया। वैज्ञानिक वाल्टर एच ब्राते, जॉन बार्दिन और शोकले के द्वारा ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया गया। विशेष तौर से संडी ट्रांजिस्टर का जो आविष्कार है वो शोकले के द्वारा किया गया था। ट्रांजिस्टर का नामकरण किस प्रकार दिया गया, तो ट्रांजिस्टर का यहाँ अर्थ होता है ट्रांसफर रजिस्टर, अर्थात ट्रांसफर और रजिस्टर दोनों से मिलकर के एक नाम दिया गया ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर का मेन यूज क्या है, तो ट्रांजिस्टर जो होता है वो प्रत्यावर्ती संकेत के परिवर्तन की क्षमता होती है, अर्थात हम ट्रांजिस्टर के अंदर इनपुट में जो प्रत्यावर्ती संकेत देते हैं उसे आउटपुट में हम कम या ज़्यादा के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। विशेष तौर से ट्रांजिस्टर मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। वैसे ट्रांजिस्टर कई प्रकार होते हैं, लेकिन सबसे पहले जो ट्रांजिस्टर का प्रकार होता है उसे हम संधि ट्रांजिस्टर अर्थात जंक्शन ट्रांजिस्टर कहते हैं। उसके बाद में क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर अर्थात फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, धातु ऑक्साइड क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर अर्थात मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को शॉर्ट में FET भी बोलते हैं और धातु ऑक्साइड क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर को शॉर्ट में MOSFET भी बोलते हैं। और भी ट्रांजिस्टर होते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पॉलिटेक्निक कॉलेज के सिलेबस के अनुसार हम केवल संधि ट्रांजिस्टर के बारे में ही जानेंगे कि किस प्रकार संधि ट्रांजिस्टर बनता है। यह एक ट्रांजिस्टर के बारे में साधारण परिचय था। अब ट्रांजिस्टर में संधि ट्रांजिस्टर किस प्रकार बनता है, तो संधि ट्रांजिस्टर के अंदर तीन अपद्रवी अर्धचालक से बना एक क्रिस्टल होता है, अर्थात संधि ट्रांजिस्टर क्या होता है, तीन अपद्रवी अर्धचालक से बना एक क्रिस्टल होता है। इस संधि ट्रांजिस्टर में भिन्न भिन्न चालकता के तीन क्षेत्र होते हैं, हम यहाँ नीचे डायग्राम में समझेंगे इसका मतलब क्या है। और भिन्न भिन्न क्षेत्रफल के तीन क्षेत्र होते हैं और तीनों क्षेत्रों में डोपिंग भी भिन्न भिन्न होती है। क्योंकि संधि ट्रांजिस्टर के बारे में यदि हम जाने तो इसके दो प्रकार होते हैं, PNP संधि ट्रांजिस्टर और NPN संधि ट्रांजिस्टर। तो यहाँ हम जानने का प्रयत्न करते हैं कि किस प्रकार एक PNP संधि ट्रांजिस्टर बनता है। तो PNP संधि ट्रांजिस्टर बनाने के लिए हम दो पी टाइप अर्धचालक अर्थात दो पी टाइप अपद्रव्य अर्धचालक लेते हैं और एक एन टाइप अपद्रव्य अर्धचालक लेते हैं। तीनों अर्धचालक से मिलाकर एक युक्ति का निर्माण होता है जिसे PNP संधि ट्रांजिस्टर कहते हैं। यहाँ पर पी टाइप अर्धचालक को एन टाइप अर्धचालक से मिलाया गया है, जिस प्रकार हम PN संधि डायोड में मिलाते हैं, और यहाँ पर एन टाइप अर्धचालक को फिर पी टाइप अर्धचालक से मिलाया गया है। इस प्रकार यहाँ PNP ट्रांजिस्टर बनता है जिसमें दो पी टाइप अर्धचालक और एक एन टाइप अर्धचालक होता है, जबकि NPN ट्रांजिस्टर में दो एन टाइप अर्धचालक व एक पी टाइप अर्धचालक का प्रयोग करते हैं। दोनों प्रकार के ट्रांजिस्टर में ही हम देख सकते हैं कि दोनों प्रकार के ट्रांजिस्टर में सबसे पहले ये जो क्षेत्र होता है जिसमें पी टाइप अर्धचालक पदार्थ होता है इसे उत्सर्जक कहते हैं, बीच में जो क्षेत्र होता है जिसमें एन टाइप अर्धचालक है उसे आधार कहते हैं, और अंतिम में पुनः जो पी टाइप अर्धचालक होता है इसे संग्राहक कहते हैं। इसी प्रकार NPN ट्रांजिस्टर में ही इस फर्स्ट एन अर्धचालक को संग्रह उत्सर्जक, फिर बेस और फिर संग्राहक कहते हैं।
यहाँ पर हम आसानी से देख सकते हैं कि संग्राहक भाग का जो क्षेत्रफल होता है वो सबसे ज़्यादा होता है और आधार भाग का क्षेत्रफल है वो सबसे कम होता है और उत्सर्जक भाग का जो क्षेत्रफल है वो मध्यम होता है, अर्थात इसका क्षेत्रफल, इसकी साइज जो है उत्सर्जक की, वो आधार से ज़्यादा और संग्राहक से कम होती है। यहाँ तीन इलेक्ट्रोड के द्वारा तीन टर्मिनल लगाए जाते हैं, ये उत्सर्जक टर्मिनल कहलाता है, इसे हम संग्राहक टर्मिनल कहते हैं और इसे हम आधार टर्मिनल कहते हैं। क्योंकि यहाँ तीन प्रकार के यहाँ हम तीन अर्चालक का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हम देख सकते हैं कि एक पी टाइप अर्चालक और एन टाइप अर्चालक को यहाँ पर हमने मिलाया है, तो जब दो अर्चालक मिलते हैं तो वहाँ पर एक संधि का निर्माण होता है। पुनः एक एन टाइप अर्चालक पी टाइप अर्चालक से यहाँ पर मिलता है तो पुनः यहाँ पर संधि का निर्माण होता है। इस प्रकार एक जंक्शन ट्रांजिस्टर अर्थात संधि ट्रांजिस्टर में दो प्रकार की संधि बनती हैं, दो प्रकार की संधि का यह निर्माण होता है। क्योंकि ये भाग उत्सर्जक है और इस भाग को हम आधार कहते हैं, इसलिए उत्सर्जक और आधार के बीच में बनी संधि को हम उत्सर्जक आधार संधि कहते हैं तथा आधार और संग्राहक के बीच बनी संधि को हम आधार संग्राहक संधि कहते हैं। शॉर्ट में हम इसे ईबी संधि या बीसी संधि भी कहते हैं। ठीक इसी प्रकार एनपीएन ट्रांजिशन में भी यहाँ पर हमारे पास ईबी संधि है और ये जो संधि होती है इसे हम बीसी संधि कहते हैं। अभी हमने देखा है कि संग्राहक का जो क्षेत्रफल होता है वो आधार और उत्सर्जक दोनों से ज़्यादा होता है, इसलिए उत्सर्जक जो भाग होता है उसका क्षेत्रफल हमारे पास मध्यम होता है और इस उत्सर्जक भाग में डोपिंग जो है सबसे ज़्यादा की जाती है, अर्थात क्योंकि ये एन टाइप अपद्रवी अर्चालक है तो इसमें डोपिंग की हुई है तो डोपिंग इसमें सबसे ज़्यादा होती है, अर्थात आधार भाग और संग्राहक भाग दोनों की अपेक्षा इसमें डोपिंग ज़्यादा होती है उत्सर्जक में। जबकि आधार भाग जो अपने पास बीच में होता है ट्रांजिस्टर के यहाँ, इसमें डोपिंग सबसे कम की जाती है और इसका क्षेत्रफल भी कम होता है। संग्राहक भाग जो हमारे पास ये संग्राहक भाग है, इस संग्राहक भाग में डोपिंग मध्यम होती है और इसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा होता है। इस प्रकार यहाँ संधि ट्रांजिस्टर बनाया जाता है। नॉर्मली हम संधि ट्रांजिस्टर को इस प्रकार भी व्यक्त कर सकते हैं कि यहाँ पर एक कॉमन पॉइंट है जिससे ये आधार जुड़ा हुआ है, इसलिए ये टर्मिनल आधार टर्मिनल कहलाता है और यहाँ पर हमारे पास संग्राहक टर्मिनल है। क्योंकि ये जो संधि है यहाँ पर, ये संधि उत्सर्जक और आधार के बीच में बनती है तो इसलिए उसे उत्सर्जक आधार संधि कहते हैं और यहाँ जो संधि होती है वो आधार और संग्राहक के बीच में बनती है इसलिए इसे आधार संग्राहक संधि भी कहते हैं। साधारणतः इसके द्वारा हम एक पीएनपी ट्रांजिस्टर को प्रदर्शित भी कर सकते हैं। पुनः एक एनपीएन ट्रांजिस्टर को प्रदर्शित करने के लिए भी यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है। यहाँ पर हमारे पास उत्सर्जक आधार संधि है और यहाँ पर हमारे पास आधार और संग्राहक संधि है। इस प्रकार एक जंक्शन ट्रांजिस्टर का निर्माण होता है। पुनः यदि हम संदर्भ ट्रांजिस्टर की प्रतीक चिन्ह पे जाना चाहें तो ट्रांजिस्टर का जो प्रतीक चिन्ह है वो सामान्यतः इस प्रकार बनाया जाता है। इसमें एक कॉमन रेखा के द्वारा बताया जाता है, ये दो रेखाएं इस प्रकार बना दी जाती हैं। यहाँ पर सबसे, क्योंकि ये बीच में है ये टर्मिनल, इसलिए इसे तो हम बेस टर्मिनल कह देंगे। यहाँ पर धारा की दिशा दर्शाई जाती है, इसलिए जिस टर्मिनल पे धारा की दिशा दर्शाई जाती है यह हमारे पास उत्सर्जक टर्मिनल कहलाता है और शेष जो टर्मिनल बचता है इसे हम संग्राहक टर्मिनल भी कहते हैं। यहाँ पर हम एक चीज़ और भी देख सकते हैं कि यहाँ पर धारा की दिशा बाहर की ओर है, तो हमारे पास ट्रांजिस्टर एनपीएन और पीएनपी दो प्रकार के होते हैं। सामान्यतः याद रखने का क्या तरीका है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर में पी अंदर है और एन बाहर है, तो एन बाहर है तो धारा की दिशा यहाँ हम बाहर की ओर प्रदर्शित करते हैं। जबकि यदि हम इस प्रकार से ट्रांजिस्टर को प्रदर्शित करते हैं प्रतीक चिन्ह के द्वारा और यदि हम धारा की दिशा को अंदर की ओर व्यक्त कर देते हैं, ये हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर है। इसको याद रखने का तरीका एक ही है कि इसके अंदर एन अंदर है तो धारा की दिशा को अंदर की ओर दर्शाया गया है और यहाँ एन बाहर है तो धारा की दिशा बाहर की ओर दर्शाई गई है। यही हमारा टर्मिनल बेस टर्मिनल है।
ये हमारा टर्मिनल कलेक्टर है और ये हमारा टर्मिनल एमिटर है। नॉर्मली यहाँ यह ध्यान रखना आवश्यक होता है कि एमिटर टर्मिनल को प्रदर्शित करने के लिए हमें कौन सा टर्मिनल यहाँ पर लेना पड़ता है, क्या ध्यान में रखना पड़ता है। तो जिस टर्मिनल पर धारा की दिशा को प्रदर्शित किया गया है वो टर्मिनल उत्सर्जक टर्मिनल कहलाता है। जो टर्मिनल यहाँ बीच से दिखाया गया है वो आधार टर्मिनल है। शेष जो टर्मिनल बचा है उसे हम संग्राहक टर्मिनल कहते हैं। इस प्रकार एक संधि ट्रांजिस्टर को हम व्यक्त कर सकते हैं। अब हम इसे अगले वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे कि संधि ट्रांजिस्टर किस प्रकार कार्य करता है।